यहाँ पे थोड़ा भी सर यहाँ पे लास्ट कॉर्नर साथ में बदले गए यहाँ पे मैम यहाँ पे एक दिन काफी कम समय रह गया एक दिन रह गया तुम मतलब थोड़ी बहुत तो होती है कि दिल में बटरफ्लाई है ना नहीं आती जब आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तब इतनी बटरफ्लाई नहीं होती जब आपको शक होता है कि पता नहीं क्या बनाया तब बहुत बटरफ्लाई होता है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म एक बहुत सिंपलिसिटी है फिल्म में और बहुत ही प्यार से आदि नतुल ने एक कहानी कही है जो आई एम श्योर आप सब उससे कनेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड थैंक यू एंड न्यूटन की बात करें तो बैक टू बैक फेलिसिटेशन और कितना न्यूटन तो आई थिंक यू नो कुछ फिल्में होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं यार आज हम गाड़ी में ही बात कर रहे थे सम फिल्म्स आर जस्ट फॉर लाइफ एंड न्यूटन आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द फिल्म जो लाइफ टाइम तक उसके लोग बातें करते रहेंगे उसके बारे में देखते रहेंगे ओके सर अश्वे जी से हमने कल बात की तो उन्होंने कहा कि राजकुमार ये मूवी के एक सरप्राइज पैकेज है और मैंने बहुत कि ऐसा लगे ही नहीं कि उनके साथ आपकी फर्स्ट मूवी तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आई थिंक ऐश्वर्या खुद इस फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज है आप उन सबको देख के बहुत खुश होंगे बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने और मुझे तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटमेंट थी उनके साथ काम करने में अनुवाने सर के साथ काम करने में एंड एज आई सेड कि एक बहुत ही सिंपली टोल्ड इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो हम कह रहे हैं जो जो पिक्चर में हम देख रहे हैं ब्रोमैंस ज़्यादा करके यही कहा जा रहा है अनिल कपूर और राजकुमार जी के लिए वो कितना पसंद आया आप बहुत पसंद आया एक्चुअली मुझे ऐश्वर्या मैम और राज का भी जो रोमांस था वो भी बहुत अच्छा लगा स्पेशली वो गाना बहुत सही ओके थैंक यू सो मच अनिल जी ऑल द बेस्ट